गाइस, आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है चिकन कबीरा जी। ये रेसिपी बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत ही पुराना रेसिपी है, इसीलिए इसको ब्रिटिशर्स लोग चिकन कवरेज बोलते थे और वही अभी बंगाली में चिकन कबीरा जी बन चुका है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसके ऊपर एक एक क्रिस्पी एग का कवरिंग रहता है। वेलकम बैक टू माई चैनल खाओ पियो दिल से। गाइस, आज का जो रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और ये ब्रिटिश टाइम का रेसिपी है। ये बंगाल का बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो गाइस, ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और गाइस, ये मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसमें एक तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं छोड़ूँ वो आपको तभी तुरंत ही मिल जाए। चलिए गाइस, ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग चिकन कबीरा जी का इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन कीमा ले लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कटी हुई प्याज छोटा छोटा पीस में, फिर मैंने मिर्ची वो भी छोटा छोटा पीस में काटी हुई है, उसके बाद लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, 4 कच्चे अंडे, फिर ब्रेड क्रम्स, फिर मैदा, धनिया और ज़ीरा पाउडर सेम क्वांटिटी में, फिर गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, फिर मैंने नींबू का रस। तो गाइस, यही सब इंग्रेडिएंट से हम लोग चिकन कबीरा जी बना लेंगे। अभी मैं इसके अंदर जो मिंस चिकन था, मतलब चिकन कीमा, वो मैं डाल दे रही हूँ 600 ग्राम्स। मैं इसमें 2 कटी हुई प्याज डाल दूंगी, 2 मीडियम साइज प्याज है। फिर मैं इसमें कटी हुई मिर्ची डाल दूंगी 2 से 3। फिर मैं इसमें जो लहसुन का पेस्ट था 1.5 चम्मच वो डाल दूंगी, अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो डाल दूंगी इसके अंदर। उसमें मैं ज़ीरा और धनिया पाउडर जो 2 चम्मच मैं डाल दूंगी वो 1:1 रेशियो में है। फिर मैं इसमें नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, फिर मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूंगी, मतलब गोलमरीच का पाउडर वो 1 चम्मच डालूंगी, और गरम मसाला पाउडर वो भी मैं 1 चम्मच डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें नींबू का रस डाल दूंगी, ये 2 नींबू का रस है वो डालने के बाद मैं इसमें मैदा डाल दूंगी। मैं इसमें लाइक 1/2 कप के करीब मैदा डाल रही हूँ और इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दूंगी। तो ये मैदा और ब्रेड क्रम्स से ये चिकन है वो एक तो बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगी, जो हमको चिकन को बाइंड करने में मदद करेगी। और इसके बाद मैं सबको अच्छे से हाथ से मिला लूंगी। अभी मैंने चिकन को अच्छे से मिला लिया है तो इसको मैं अभी फ्रीज़र में रख दूंगी 30 से 45 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं जो इसका आयकर प्रोसेस है वो बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। 30 से 45 मिनट हो चुका है तो अभी मैं इसका कटलेट लाइक फॉर्म बना लूंगी। तो इसके लिए मैं पहले चिकन को थोड़ा थोड़ा रोल लेके रोल बना लूँगी, और रोल बनाने के बाद इसको एक ठो रेक्टेंगल की तरह शेप दे दूँगी, और मैं एक ठो नाइफ का मदद लूँगी ताकि उसमें एक ठो रेक्टेंगल की तरह शेप आ जाए। और फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्स में डाल के उसके ऊपर कोटिंग दे के इसको साइड में रख लूँगी। मैं ऐसे ही दूसरा वाला ही बना लूँगी, क्योंकि गाइस वो पीस थोड़ा मेरा छोटा हो गया तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ अभी। तो इसीलिए मैं फिर से एक रोल ले रही हूँ, वो थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ,
और इसके बाद फिर से मैं इसको हल्के हाथों से थोड़ा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, रेक्टेंगल टाइप शेप। और फिर मैं छुरी का मदद से इसको एक ठो एजेस थोड़ा शेप कर लूँगी। और शेप करने के बाद मैं इसको फिर से ब्रेड क्रम्स में लेके, ब्रेड क्रम्स में मतलब कोटिंग देके, और फिर मैं इसको साइड में रख दूँगी। गाइस ऐसे ही सारा चिकन को हम लोग कटलेट टाइप साइज में बना लेंगे। तो गाइस अभी मैंने सारा कटलेट को बना लिया है और फिर मैं अभी गैस स्टोव को ऑन कर दे रही हूँ और तेल को गरम कर ले रही हूँ। तो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कि मैं सारा कटलेट को बना लिया है। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे कटलेट्स को बना लिया है, आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद मैं तेल भी गरम हो चुका है, तो इसमें मैं ऐसे ही सारा कटलेट्स आराम से डाल दूंगी और इसको एक साइड पहले मैं फ्राई कर लूंगी। तो अभी हम लोगों का एक साइड देखिए फ्राई हो चुका है, तो इसीलिए मैं उसका दूसरा साइड टर्न करके उसको भी फ्राई कर लूँगी। गाइस आपको ये बहुत ज़्यादा ब्राउनिश कलर नहीं करना है, डीप ब्राउन कलर नहीं करना है, इसको हल्का ब्राउन करके आपको इसको छान लेना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना ताकि जो अंदर का चिकन है वो पक गया है। तो देखिए गाइस अभी मैं छान ले रही हूँ। गाइस ऐसे ही मैं फिर से इसके अंदर चिकन का जो कटलेट सब वो डाल दूंगी और फिर डाल के मैं फिर से इसको छान लूँगी। तो गाइस मेरा जितना भी कटलेट्स था मैं इसी प्रोसेस में सबको कर लूँगी। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाते हैं। तो हम लोग जो कटलेट के ऊपर जो एग का एक नेट फॉर्म करेंगे, एग का एक जाली टाइप का फॉर्म करेंगे, उसी लिए मैं यहाँ पे 4 अंडा ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें गोलमोरिस पाउडर मतलब ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूंगी और फिर मैं स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल दूंगी और फिर मैं इसमें जो मेरा मैदा था वो मैं 2 चम्मच के करीब डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। तो गाइस अभी मैंने एक बैटर को अच्छे से मिला लिया है और मैं ऐसा एक बॉटल की तरह ले रही हूँ। आप कोई बॉटल यूज़ करो और उसका जो कैप था मैं उसमें छेदा कर ली हूँ और वो जो एग बैटर था मैं वो उसके अंदर डाल दे रही हूँ ताकि जो मैं नेट बनाऊँगी जब वो एग का नेट तेल में, तो हमको मुझे बनाने में आसानी हो। आप चाहे तो हाथ से बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर बॉटल यूज़ कर रही हूँ। और चलिए तो अभी बाकी चीज़ हम लोग कर लेते हैं उसके बाद। तो गाइस देखिए मैंने सारा कटलेट को तेल में तल लिया है, तो इसके बाद वही तेल में मैं जो फिर से गैस ऑन कर दे रही हूँ और तेल को थोड़ा गर्म कर लूँगी। और तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा, अभी मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसमें जो एग का बैटर है वो बॉटल के मदद से मैं एक नेट टाइप फॉर्म कर ले रही हूँ। आपको इसको थोड़ा कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है एक बैटर को ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, वो तेल के ऊपर आ जाए। जैसे मैं प्रोसेस कर रही हूँ आप वैसा ही कीजिए तो आपका वो परफेक्ट बनेगा। तो आप लोग देख पा रहे हो मेरा ऑलरेडी फ्राई होकर वो आ चुका है, वो तेल में आप देख रहे हो फ्लोट कर रहा है। तो इसी टाइम पर मैं इसमें एक ठो वो कटलेट रख दूँगी और इसको पूरा कटलेट को पूरा कवर कर दूँगी ये एग वाला जाली से। गाइस देखिए मैंने पूरा वो एग से अभी वो जो कटलेट था उसको कवर कर लिया है, तो अभी मैं इसको छान लूँगी और एक प्लेट में साइड में रख दूँगी। और ऐसे ही प्रोसेस में मैं सारा जितना ही मेरा कटलेट था उसको मैं बना लूँगी। गाइस ऐसे ही बनाने के बाद मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में, फिर आपको मैं दिखा रही हूँ।
देखिए मैंने इसको प्लेट में अभी सर्व कर लिया है, कितनी अमेजिंग लग रही। और गाइस आप लोग भरोसा कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं आपको इसको थोड़ा काट के दिखा रही हूँ कि अंदर से भी ये कितना नरम है, कितनी जूसी है, तो आप लोग देख पा रहे हो। और एक कवरिंग के साथ तो एकदम बढ़िया बन जाती है। मैंने मेरा बोलते बोलते ही मुँह में पानी आ जा रहा है। जरूर ट्राई करें और हम कमेंट से बताएं ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया रेसिपी के साथ। बाय बाय।